ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आ। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा, 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं।